हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कौन पड़ेगा किस पर भारी, कौन बनेगा धोनी का उत्तराधिकारी, बिल्कुल यही है लड़ाई। मैं हूं आपके साथ शिपाली बग्गा, मेरे साथ हैं कपिल जी और अतुल जी, और आज है मुकाबला दिल्ली वर्सेस राजस्थान का, और एक तरफ है पंत, दूसरी तरफ है संजू सैमसन। बात करेंगे हम इस पर कपिल जी और अतुल जी से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। सबसे पहले इन दोनों के इस आईपीएल में आंकड़े देखिए जो उम्मीद की किरण जगाते हैं। संजू सैमसन ने आईपीएल में खेली 5 पारियों में 192.13 के स्ट्राइक रेट से 171 रन बनाए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी ही पारियों में ऋषभ पंत ने भी संजू के बराबर ही 171 रन बनाए हैं। संजू सैमसन ने शारजाह में खेली 2 पारियों में 214.86 के स्ट्राइक रेट से 159 रन बनाए हैं। गौर कीजिए, सैमसन ने दूसरे मैदानों पर खेली 3 पारियों में सिर्फ 12 रन ही बनाए हैं। राजस्थान के खिलाफ ऋषभ पंत ने पिछली 3 पारियों में 69, नाबाद 78 और नाबाद 53 रन की पारी खेली है। इन मैचों में ऋषभ पंत की स्ट्राइक रेट से सारी कहानी बयां हो रही है। केएल राहुल ने खेली 6 पारियों में सबसे ज्यादा 313 रन बनाए हैं। तो कौन लेगा धोनी की जगह, ये तो सवाल है ही, लेकिन जो ज्यादा रन बनाएगा वो उनके लिए भी अच्छा है, उनकी टीम के लिए भी अच्छा है और टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा है। एक तरफ है ऋषभ पंत, दूसरी तरफ है संजू सैमसन। कपिल जी, क्या लग रहा है आपको, कौन ज्यादा आगे है, पंत या सैमसन या फिर केएल राहुल ही ठीक है? नहीं, केएल राहुल तो अपनी जगह बना चुके हैं, कीपिंग करें या ना करें वो फिर भी हिंदुस्तान के लिए उनको निकालना बहुत मुश्किल है, जो उनकी एबिलिटी टैलेंट है। या मैं बायस्ड हूँ उनके बारे में, लेकिन इन दोनों की बात करें तो संजू सैमसन ने जो क्रिकेट अभी तक खेली है, एक ही आंकड़ा मेरे को अजीब सा लगा कि सिर्फ इस मैदान पर, अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो कोई भी मैदान आपके लिए हो एक जैसा होता है। और पंत में अच्छा है कि इन दोनों में लड़ाई हो रही है टीम के दावे के लिए, तो इसलिए जो हेल्दी कंपटीशन है वो इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा है, डजंट मैटर यहाँ क्या होता है। हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं अतुल जी, दोनों के रन बराबर हैं वैसे, सैमसन के भी और पंत के भी। देखिए, पंत थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट है, संजू ने दोनों इसी मैदान पे करे हैं, तो मुझे लगता है कई बार बाजी को पता है क्रिकेट में फ्लैट ट्रैक बुलीज होते हैं जो एक तरह की पिच पे बड़ा छा जाते हैं, और बाहर जहाँ शेर वहाँ ढेर, इंडिया में सुपर और वहाँ पे सिले जाते ही पत्ते हो जाते हैं। तो संजू सैमसन जिस तरह से पिछले मैच में आउट हुए हैं, उन्हें प्रूव करना है कि एक्सप्रेस बॉलर है आज रबाडा और नॉटे, इनके खिलाफ आप उस तरह से अटैकिंग बैटिंग नहीं कर पाएंगे जो पहले करते आए, तो क्या उनमें क्षमता है गियर चेंज करने की, तब मैं मानूंगा बड़ा। हालांकि आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, ईशान किशन ने भी अपनी टोपी फेंक दी है कि मैं भी हूँ भाई विकेट कीपर बैट्समैन, और भी प्लेयर है 2-3, पर केएल राहुल ने तो ये रेस जीत ली है, क्योंकि आपको याद होगा राहुल द्रविड़ को भी एज अ बैट्समैन विकेट कीपर लेके गए थे, उस पर एक सिलेक्टर को तसल्ली होती है एक प्लेयर एडजस्ट करने की, चलिए छोटा मैच है 20 ओवर का, विकेट कीपर मायने नहीं रखती, टर्निंग ट्रैक पे आपको लंबे ओवर करने हैं, वहां पे आपको स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए, तो केएल राहुल T20 में विकेट कीपर का जगह ले चुके हैं। पर फिर भी अच्छा, फिर भी अच्छा लगेगा, मैं इनकी बात के साथ सहमत तो फिर भी अच्छा लगेगा कि आपके पास जेन्युइन बेस्ट विकेट कीपर हो, और मैं नहीं मानता इन सब में देखते हुए राहुल अच्छा कीपर है, राहुल सबसे अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन कीपिंग मैं कहूंगा कि अभी उनको बहुत मेहनत करनी होगी। जैसे राहुल द्रविड़ बड़ा अच्छा नाम लिया, उनके साथ कंपेयर बल्लेबाजी में नहीं कर सकते, और राहुल बाय द वे विकेट कीपर था, और सेम मुझे लग रहा है कि राहुल, सो उम्मीद करता हूँ कि जो सेलेक्टर है वो ये चीज़ को देखे कि उनकी जगह तो वैसे बनी हुई है, क्या हम अच्छा विकेट कीपर ले सकते हैं। लेकिन कपिल जी, अगर हम सिर्फ पंत और सैमसन की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि अतुल जी ने कहा कि संजू सैमसन फ्लैट ट्रैक बुरी है, आप एग्री करेंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, इसीलिए मैंने कहा कि इस पिच पे सिर्फ नहीं, फिर वो बात अच्छी नहीं है। मैं संजू सैमसन को तीनों ग्राउंड में देखना चाहता हूँ कि रन बनाए, एक तरह की पिच पे नहीं। वही आंकड़े जब मैं, मुझे नहीं मालूम था, जब आपने आंकड़े दिखाए तो मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बदल गया, लेकिन संजू सैमसन जब बैटिंग करते हैं जो उन्होंने की है, ओ हेड्स ऑफ टू हिम, तक सो क्लीन हिटिंग, इतना मजा आता है देख के, ऐसा लगता है कि इन दोनों को आप लाखों मील जा सकते हैं देखने के, बल्लेबाजी देखने के लिए। कपिल जी, अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो एंटरटेनमेंट तो वो फुल ऑन देते हैं दर्शकों को, लेकिन लंबे रन नहीं बना पाते, अभी तक 50 नहीं आया। आई थिंक मैच्योरिटी की कमी है, सिर्फ मैं ये कहूंगा कि हाँ जल्दी उनको चांस मिला आईपीएल खेलने का, लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी और आ जाएगी, क्योंकि कई बार देखा है कि ऋषभ पंत आते हैं पहले बॉल पे ही शुरू हो जाते हैं, आप भापिए, मैं समझता हूँ आपके पास 120 गेंद नहीं है, 20 ओवर का मैच है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप पहली बॉल पे नहीं, दो चार गेंदें देख लो, फिर आपको मौका मिलेगा।
क्या ये आखिर तक खेल पाएंगे? जब भी कोई बैट्समैन 20 गेंदें खेल लेता है, क्या वो पूरे ओवर खेल के आ सकता है? तब आप बड़ा बनते हैं। पहले 2-4 ओवर में, एक ओवर में आउट होता है तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। और दूसरी बात ये भी ऋषभ पंत के लिए, मुझे लगता है कई बार क्योंकि इतनी उसने पोटेंशियल दिखाया कि सभी ने उस पर फोकस कर दिया, जितनी उसको क्रिटिसिज्म मिला है वो डिजर्व नहीं करता। पर ये क्या, क्योंकि सबने कहा ये तो कमाल प्लेयर आ गया, एवरी मैच सब उसी को देख रहे होते थे। वो जाता था उसमें मेच्योरिटी बाजने का ठीक नहीं है, उसमें अभी है तो बच्चा ही अभी, तो उसके ऊपर फोकस इतना रखा गया कि वो ग्रो नहीं कर पाया। और प्रेशर में वो लगा कि इसको निकालो टीम से। मुझे लगता है अगर आप किसी पौधे को भी घूरते रहेंगे तो वो भी बड़ा नहीं होना बंद कर देता है। आप थोड़ा नजर हटाएं, 4 दिन बाद देखें तो लगेगा बड़ा हो गया। तो थोड़ी फोकस ऋषभ से हटाएं तो आपको उसका प्रोग्रेस पता लगेगा। चलिए फोकस हम हटा लेते हैं। आज दिल्ली वर्सेस राजस्थान है, लेकिन आपको बता दें कि आज एक और दुश्मनी है, बटलर और अश्विन की पुरानी दुश्मनी। देखिए बटलर ने अब तक आईपीएल के सीजन कुल 4 मैच खेले हैं। इन 4 मैचों में बटलर ने 117 रन बनाए हैं। रन भले कम, लेकिन इन मैचों में बटलर का स्ट्राइक रेट 148 का रहा। बात अगर अश्विन के सीजन में प्रदर्शन की करें तो अश्विन ने 3 मैचों में 7 ओवर फेंके हैं। इन मैचों में अश्विन 7.71 की इकोनॉमी से 3 विकेट लिए हैं।